दीमक चाचा किसी लिफ्ट दे रहा है वो स्कूटर पे? अरे मोहल्ले में वो नई महिला रहने आई है ना, स्वीटी माथुर। स्वीटी, स्वीटी माथुर, ये कौन है? मैं क्या अखबार हूँ? नहीं। उस महिला का रिश्तेदार हूँ? नहीं नहीं। पुलिस कमिश्नर का यार हूँ? नहीं नहीं नहीं। जनगणना विभाग का सलाहकार हूँ? नहीं 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 नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि स्वीटी माथुर है कौन? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उसकी हर अदा में जादू है। कैसी लग रही हूँ? अरे पीले और काले रंग की तितली लग रही है मेरी गुड़िया। हाँ, इसका मतलब टॉमी बिल्कुल सही कर रहा था। मम्मी मैं कोयल दीदी और मयूरी दीदी से मिलके फिर मंदिर जाऊंगी। ओके बाय। अरे जैसे मंदिर में भगवान रहता है ऐसे चिड़ियाघर में भी सभी देवी देवता रहते हैं फटाफट से। सही कहा तुमने। क्या खाक सही कहा मैंने? हाँ चिड़ियाघर में सब राक्षस रहते हैं, जब देखो तब ज्ञान और संस्कारों के सींग मार देते हैं फटाफट से। और ये क्या, तुम अभी तक नहाए नहीं हो? हाँ जाके नहाओ। अब जब सब नहाएंगे तो हम भी नहाएंगे। इतली ने आज पैंट शर्ट पहनी है तो मतलब मुझे भी पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी, पर मैंने तो आज तक पैंट शर्ट पहनी ना है फटाफट से। आज स्कूल में हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट ब्लैक एंड ब्लू डे मना रहा है। अब जब सब ब्लैक एंड ब्लू पहन रहे हैं तो हम भी पहनेंगे। हाँ अब जल्दी से नहा लेते हैं। मेरे पास तो पैंट शर्ट है ही नहीं, फिर मैं क्या पहनूं फटाफट से। अरे जब पति पत्नी दो जिसमें एक जान हो सकते हैं तो दो पैंट शर्ट एक जान क्यों नहीं हो सकते? टेंशन टाइट। हाउ वाज द फ्लाइट? एकदम सेफ एंड साउंड कपी, थैंक यू। दोस्ती और चिड़ियाघर मोहल्ले में नो सॉरी नो थैंक यू। लगता है इस मोहल्ले में आके मैंने कोई गलती नहीं की। बाय कपी। बाय स्वीटू। स्वीटी बाय। चुहिया, टेंशन टाइट, रेडी टू फाइट। क्या बात है चुहिया, तुम वैसे मयूरी भाभी के साथ तांडव पोज में क्यों खड़ी हो? रोज तो तू पूछ के स्कूटर लेकर जाता है। मयूरी पूछ रही है आज किसकी इजाजत से स्कूटर लेके गया था? वो स्वीटी माथुर को लिफ्ट देने के लिए डरते डरते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको डरते डरते। अच्छा तो इसीलिए कल रात भर बैठ के आप कपड़ों में प्रेस कर रहे थे डरते डरते, और फिर सुबह सुबह परफ्यूम शॉफ्यूम भी लगाया भर भर के, और नई टाई और नए मोजे भी तो पहन रखे देखो। अच्छा तो अब समझ में आया हमको डरते डरते। कल जरूर वो स्वीटी जो है हमारी गली की तरफ से गुजर रही होगी, इसीलिए आप बार बार हमको छत के दूसरी तरफ लेके जा रहे थे ना डरते डरते। अरे तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, बात तो अभी यही की यही है, कहीं गई नहीं है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे डरते डरते, अब हम इस बात को दिल्ली तक लेके जाएंगे। हाँ दिल्ली? क्यों मयूरी की चुहिया, दिल्ली में तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है? मयूरी चुहिया कह रही है कि वो इस बात को बाबूजी तक लेकर जाएगी। देखो चुहिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने स्वीटू मतलब स्वीटी को सिर्फ लिफ्ट ही तो दी है,
और भाभी आप ही बताइए, किसी को लिफ्ट देना क्या गलत बात है? देखो चुहिया, किसी की मदद करना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार है। अच्छा, अब कोई मदद मांगने वाला, कोई मदद मांगने वाली निकले तो क्या मैं अपने संस्कार भूल जाऊं? शक करना तो तुम बीवियों का फुल टाइम जॉब। टेंशन टाइट, दिस इज हाई। देखना तो इसे कितना गुस्सा करके गया है। कोयल दीदी, अब हम भी चुप बैठने वाले नहीं है। डरते डरते हम जॉब के अभी उस स्वीटी को स्वीट बना के आते हैं। डरते डरते रुक जा, जरा दिमाग से काम ले। एक औरत दूसरी औरत से हारना कभी बर्दाश्त नहीं करती। अगर तूने स्वीटी को कुछ कहा तो वो तुझे हराने के लिए कुछ भी करेगी। अभी तो बात सिर्फ लिफ्ट तक पहुंची है, कल को गिफ्ट तक भी पहुंच सकती है। बात को समझ चुहिया? हाँ हाँ मयूरी की। चुहिया, मयूरी की कोयल दीदी ना बिल्कुल सही कह रही है, तू स्वीटी से ना बिल्कुल मत मिलना। मयूरी मयूरी की इनसे कह के उस स्वीटी की ना टेंशन टाइट करवाई। शर्ट कहाँ गई? कहीं तितली की मम्मी धोने तो नहीं बैठ गई? अरे नहीं, अरे मेरे कपड़े पहन के कहाँ टहलने निकल गई? रुको तितली की मम्मी, रुको भाई, अरे रुको। मैं तुम्हारी मम्मी कसम टॉमी। हाँ। आइडिया काम कर गया गुरु। तितली तुम्हारे कहने पर पैंट शर्ट पहन के आई बे। ओ कहाँ है वो देखो। बस 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 बस। अच्छा वो है। थोड़ी फिटिंग गड़बड़ लग रही है ना? अबे टॉमी। हाँ। फिटिंग छोड़ो और सेटिंग करो गुरु, मेरा तो दिल बैठ जाता है। अबे टॉमी। हाँ। यार तुम्हारा दिल बहुत बैठता है, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। हाय शाबाश। हाँ। गुरु एक शेर दे रहे हैं। हाँ। जाक शेर बोल देना। हाँ। पहन के निकली जो तू कमीज और पतलून। हाँ। दिल मोटा मोहब्बत का जुनून। हाँ। टॉमी। हाँ। छू। हाँ। यार तो ब्लू और ब्लैक डे, ब्लैक और ब्लू डे लेट हो जाएंगे लगता है। इतनी की मम्मी। रुको ना, सुनो ना, तुम कमीज और पतलून में बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए एक शेर सुनो। पहन के निकली जो तू कमीज और पतलून, पहन के निकली जो तू कमीज और पतलून। आगे भी बोलो ना बराबर से। मौसी को देखकर जम गया खून। हाँ? तितली की मम्मी। अरे तितली की मम्मी। लगता है कपी चिड़ियाघर के संस्कार भूल गए। ब्रैकेट क्लोज। अरे कपी को तो हम बाद में समझा देंगे, लेकिन सबसे पहले आप जाकर उस स्वीटी मातृ को ना संस्कार सिखा कर आइए। रो मत चुहिया। हाँ गोमुख भैया है ना, ये सब ठीक कर देंगे। भैया बोलिए ना इसे। तुम रो मत चुहिया, कुछ तो अभी उस स्वीटी की अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। डॉट 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 डॉट। मैं उसको अच्छी तरह से समझा दूंगा कि कपी से लिफ्ट लेना बंद करे। ब्रैकेट क्लोज। वो शादीशुदा है, उसकी एक प्यारी सी पत्नी है, उसको भी अंडरलाइन। चिंता मत करो। छोटे चेची, आप बाबूजी से कुछ भी मत कहिएगा डरते डरते, वरना वो खामखा में बहुत परेशान हो जाएंगे डरते डरते। सही कह रही हो चुहिया, फुल स्टॉप। इस मामले को हम अपने लेवल पर ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ मैं कल ही उस स्वीटी की क्लास लेता हूँ। ब्रैकेट ओपन।
कपी उया। भैया मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आएगा तो तब जब तू जाएगा स्कूटर लेके, फुल स्टॉप। क्या हुआ भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आज के बाद अगर तू उस लड़की के पास गया या उसको लिफ्ट दी। किस लड़की के पास भैया? कपी तू अच्छी तरह जानता है मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ, फुल स्टॉप। तूने उस स्कूटर को अपवित्र किया है जिसपे माँ बैठती थी, जिसपे बहन या बीवी बैठती है, डॉट डॉट डॉट। वो कौन है? क्वेश्चन मार्क। स्वीटी नाम है उसका। अरे नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तूने उस लड़की को मेरे स्कूटर पे बिठा के मेरे स्कूटर को झूठा किया है। अब तो तुझे बाबूजी बताएंगे। डॉट डॉट डॉट। नहीं भैया ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज। खा मेरे सर की कसम कि आज के बाद उस लड़की के घर की तरफ मुंह उठा के देखेगा भी नहीं, फुल स्टॉप। नहीं देखूंगा। उस लड़की के घर की तरफ मुंह करके सोएगा भी नहीं, फुल स्टॉप। नहीं सोऊंगा। उस लड़की के घर की तरफ मुंह करके खाना भी नहीं खाएगा, फुल स्टॉप। नहीं खाऊंगा। शाबाश करे भाई, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। डॉट 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 डॉट। मैं जानता हूं कपी, गलती तेरी नहीं है, गलती उस लड़की की है। डॉट 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 डॉट। मैं अभी उसको ठीक करके आता हूं। डॉट 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 डॉट। भैया भैया मेरा गुस्सा देखा नहीं है, ऐसी क्लास लूंगा जिंदगी भर किसी से लिफ्ट नहीं मांगी। ब्रैकेट क्लोज। जी माई सेल्फ स्वीटी, स्वीटी माथुर। कहिए। जी वो मैं, नमस्ते, वो मैं गोमुख केसरी नारायण, फुल स्टॉप। वो है ना, वो कपी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, फुल स्टॉप। रियली? एक सच बात बताऊं, आप ना उसके छोटे भाई लगते हैं। आप टीचर है राइट? तो जरूर कुछ सिखाने आए हैं मुझे। हाँ जी, देखिए मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, सिर्फ समझाने आया हूँ कि आप कपी से लिफ्ट मांगना बंद कीजिए, फुल स्टॉप। वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहीं लेती, बल्कि ऑफिस टाइम पे पहुंच सकूं इसलिए लेती हूं। बट डोंट वरी, आज भले ही मैं ऑफिस लेट पहुंचूं, पर कपी से लिफ्ट नहीं लूंगी। जी चलिए अब एक प्यारी सी, स्वीट सी, क्यूट सी स्माइल दे दीजिए। जी थैंक्स। आप ना बहुत क्यूट लगते हैं हंसते हुए। वैसे आप भी शादीशुदा हैं क्या? जी आई एम मैरिड, फुल मैरिड, मतलब फुल स्टॉप। ओह हाउ सैड। पता नहीं ये स्मार्ट और हैंडसम लड़के इतनी जल्दी शादी क्यों करते हैं। अब देखिए ना, आपको मैं सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही बना सकूंगी। जस्ट जोकिंग, वैसे हम दोनों की दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है। वो कैसे? कस्टमर कपी मुझे कह रहा था कि वो जो स्कूटर है वो आपकी है। जी तो अगर स्कूटर से जान पहचान हो गई है तो इनडायरेक्टली आपसे भी पहचान हो गई ना मेरी। आप चाहे तो डायरेक्टली भी हो सकती है। कैसे कस्टमर? आप सुबह उसी वक्त निकलते हैं ना जिस वक्त मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जमाना कितना बदल गया है, गिरगिट को कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा फटाफट से। खैर कोई बात नहीं, कोई मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा तो क्या हुआ, मैं लिफ्ट मांग तो सकती हूँ ना फटाफट से। यस सकती हो। ओ एक मिनट भैया, रुको 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 भैया रुको, मुझे मेरे घर तक लिफ्ट देना प्लीज। हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे लिफ्ट, बैठिए 20 रुपए लेंगे। 20 रुपए? तुम्हें शर्म नहीं आएगी मुझसे 20 रुपए लेते में? अरे लिफ्ट देने के कोई पैसे मांगते हैं फटाफट से। अच्छा तो एक काम करो, मौसी पीछे गधा पैसा आ रहा है साइकिल पे, उससे लिफ्ट ले लेना, हम जा रहे हैं। हट निकल यहाँ से, बदमाश ना हो तो। अरे वो तो गधा है, वो क्या लिफ्ट देगा मुझे फटाफट से। मौसी राम राम। राम राम। लिफ्ट लेंगी लिफ्ट। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे मेरे गधे, पता है तेरे आने से पहले मैं वही बता रही थी रिक्शा वाले को कि इस पूरे चिड़ियाघर में सिर्फ एक गधा प्रसाद इतना समझदार है जो मुझे लिफ्ट दे सकता है बड़ाबड़ से। अच्छा सुन, तुझे साइकिल पे बैठा के साइकिल चलाना आता है? कैसी बातें करती है मौसी जी, हमने एकदम लल्लन टॉप टमाटर साइकिल चलाया, लल्लन टॉप साइकिल चलाती हूँ। अच्छा वो जो है ना हमारे घोटक भैया, वो हमको रेलवे स्टेशन ले नहीं जाते, वरना हम ना रेल चला ले रेलगाड़ी। हाँ हाँ तुम्हारी कसम, आ जाओ मौसी, कम ऑन बैठ जाओ। हाँ एक मिनट, मौसी बैठ गई। अबे रुक, जल्दी मौसी जल्दी, मौसी बैठ जाओ। अबे रुक, मौसी बैठ जाओ। चला बेटा। अरे गधा प्रसाद, तू चला कम रहा है, साइकिल हिला ज्यादा रहा है। उतार उतार मुझे, मुझे ना बैठना तेरी साइकिल पे। मौसी भगवान का नाम ले लो जल्दी जल्दी। मौसी क्यों? मौसी मौसी साइकिल की ब्रेक फेल हो गए, मौसी संभालो मौसी। अरे क्या संभालो, अरे मैया मर गई री, हड्डी टूट गई मेरी कमबख्त। मौसी आप तो गिरी गिरी हमको भी गिरवा दिया आपने। गधे तेरी वजह से मैं गिरी हूँ फटाफट से। मयूर बेटा। अरे हरिओम दीमक चाचा। हरिओम हरिओम, इधर से गुजर रहा था, सोचा बाबूजी के साथ चाय पीता हुआ चलूं। अरे लेकिन मयूरी के बाबूजी तो पेंशन ऑफिस गए हुए हैं। सारा चिड़ियाघर थोड़ी पेंशन लेने गया होगा, अरे जो मिलेगा उसके साथ चाय पी लूंगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे हाँ एक और बात सही हो गई, मयूरी के वो ने ना वो जो स्वीटी मातुर है ना उसको अच्छी तरीके से समझा दिया, अब वो कभी दा बंदर से कभी लिफ्ट नहीं लेगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो मयूर बेटा, अब स्वीटी कभी कपी से लिफ्ट नहीं लेगी, क्योंकि आप तो गोमुख से लिफ्ट ले रही है। क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.